आज अमृतसर के गेट हकीमा थाने के बाहर आम आदमी पार्टी की तरफ से रोड जाम किया गया। पार्टी के नेता वेद प्रकाश बबलू ने बताया कि इस थाने के अंदर केवल राजनीति ही चलती है। अगर कोई अपनी दरख्वास्त लेकर आता है तो पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि कोई प्रधान को लेकर आए तो ही आपकी सुनवाई होगी। गेट हकीमा चौक में चारों तरफ से बहुत बड़ा जाम लगाया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक एसपी साहब यहां पर आकर हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे, और साथ में ही पंजाब पुलिस के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चार बंदे जेल च भेजे आ, बाकी जो अणपछाते बंदे अजे भुगड़े हुए आ, फड़े नहीं अजे 2 महीने हो गए। सर मुद्दा एक नहीं गा, मुद्दे इतने 5-5, 6-6 गए। आम लोगों की सुनवाई नहीं होंगी है। आम लोग थाने में जाते हैं, उन्होंने कुर्सी नहीं मिलती, उन्होंने बदतमीजी बोलिया जाता वै। आम बंदा जाता पाया वै, तुहानू सोनू नाम का साडा एक प्रधान है उन्होंने भेजा, संजीव नू भेजा, रामपाल जिहड़ा उत्थे ASI हर वारी लगातार बदतमीजी बोलता पाया वै। मैं सुनवाई करन दी बजाय मतलब पैसे दे दिए फिर थाने वास्ते, मतलब कुर्सियां में सब कुछ है, लेकिन आ बंदे कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने, जिहदे करके लाया गया। नंबर एक प्रेम नगर के कतल होया वै, ठीक है, जेडे परिवार का जेड़े मतलब जिया ना लेंदे आ पुलिस उन्होंने छड़ दी भी उन्हें कहानियां पाए, कहती भी नहीं जी झगड़े में नहीं गए। नंबर दो एक भैन के घर जाके नाल गवांढी पै जाते, कपड़े पाड़े जाते हैं, काउंटर तक भन्या जाता वै, और पुलिस ने एक बार आरोपी फर्क सद्या ही ना हो। मतलब होर आप किन्ने मुद्दे तरह दस दिए, एक कंध का झगड़ा और चे पुलिस कंप्लेन हुई कि सर अड़ा झगड़ा ना हो गुआढ़िया गल बैन गए, पुलिस ने उन्होंने सद्या वे उत्थे प्रधान गल करके भेजा। एक मुद्दा मैं मुद्दे की गल करा, इतने मुद्दे का ढेर पिया वै। सर जो कतल होया 1.5 महीने लग जाके हो चुके हैं जे, ठीक है, जी भैन के घर पे है उन्होंने 15-20 दिन तो उत्ते हो चुके हैं जे, मतलब घट्टो घट लाइए सारे मसले 15-20 दिन पुराने हैं, सारे परिवार से बैठे हैं। एक ASI मतलब अपना रामपाल जी गए जेडे आनगढ़ चौंकी, यदा आप लंबा SHO साहब देख गए, बकायदा देख गए, SHO साहब ने स्पैशल कहा आप ड्यूटी बदल गए, अमरजीत ड्यूटी ला लें, लेकिन सुखबीर जी अमरजीत भाई ने भी किया, आप पार्टी सद लें, पार्टी उत्तर क्यों नहीं सदी जाती भी, उत्थे एक ज्योति नाम का लड़का लगा हुआ वै जो भैन के घर उन्हें जिन्हें बंदे पुआए है, जिंद शहद बंदे पे है उसे पानी पिलाता वै, जो पानी पिलाता सोचो कि उसकी सुनवाई ज्यादा हो रही और किसी सुनवाई नहीं हो रही। उत्थे सर विवादा की गल करते हैं, मैनू एक बार अपने CP साहब छूट दे, जे मैं इतों चिट्टा ना तुम कड़ दा, जे तो शराब ना कड़ दा तो मैं लीडरी छड़ दूँ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਰ ਪਰਚਾ ਘੱਟੋ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 5-6 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਡੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹ 'ਚ ASI ਗੁਰਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੁੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ 'ਚ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਦੀ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇਰ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨ ਤੱਕ SP ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਛ ਅਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਔਰ ਗੇਟ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਕੀ SHO ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਫੜ ਵੀ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
एस एच इंस्पैक्टर साहब कहता कि तुम इस संबंध कार्रवाई करो। सो मेरे वालों इन्हों पूरी तसली दी गई है और फरदर भी इन्हों यही तुहाडे माध्यम तो मैं रिक्वेस्ट करता कि अगर इन्होंने किसी कोई प्रॉब्लम आती है कोई तसली नहीं होंगी तो अपने सीनियर अफसर ध्यान च लियान ताकि वो मसला हल कर देन ये धरने लाने की नौबत ही ना पड़े। सर एक लेडीज़ का कहना जी मैं चौकी चार्ज वालों के धक्के होके मारे गए गलत बोलिया गया नहीं जी मेरे सामने कोई किसी ने नहीं कहा कि धक्के मारे और तुहाडे सामने भी देखो कोई धक्के वाली कोई गल सामने नहीं आई। सर की लोड़ पैन दी राजनीति पार्टियां थाने दे बार पुलिस ने ही मारा गया दी लोड़ पै रही डेमोक्रेसी है जी लोगों का राज है अगर किसी तसली नहीं होंगी तो वो डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं कोई ऐसी पीसफुल डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं इस करके इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक बहुत बड़ा कंट्री है। सो असी डेमोक्रेसी के हाथ च रह के ही लोगों दी गल्लां सुनने उन्होंने विश्वास दवाने कि असी तुहाडे नाल न्याय करांगे। सर चौकी चार्ज वालों कुछ भी किया गया अफसर दसना चाहिए इतना रोड जाम करके पब्लिक में तंग किया जा रहा वा देखो मैं तो यो रिक्वेस्ट करता कि ये लोगों को चाहिए सगा जेकर उन्हें तसली नहीं हुई किसी बंद को तो काइंडली साडे नाल गल कर लेंगे असी इस मसले को धरने तो पहले ही हल कर देंगे और तुहानू सारयां नू मेरी वर्किंग का पता। थैंक यू।